ये ब्रह्मांड योग्य व्यक्ति को योग्य चीजें देती है, उनके बुद्धि विचार विवेक की हिसाब से देती है। समझो भाई, मेरी बेटी आईएएस है, मेरी बेटी आईएएस है। अब मेरी आईएएस वाली बेटी को गली में ठेले में केला बेच रहा, उसको दूंगा क्या? नहीं। समझो, मुझे मालूम नहीं पड़ा कि सामने वाला कौन है। उसने झूठ बोला आईएएस, मैं आईएएस हूं, आईएएस है नहीं, झूठ बोला। अब मैं मेरी बेटी दूंगा कि नहीं? बोलो, मुझे मालूम नहीं कि वो आईएएस है या नहीं। उसने बोला आईएएस, हमने भी मान लिया, अब मेरी बेटी दूंगा कि नहीं? देंगे। यानी तू आईएएस है, ये तेरे में विचार आ गया तो 90% तेरा काम यूं ही हो जाता, आईएएस बाद में। बोला सदगुरुदेव की। तू ये मत सोचना कि तू झूठ बोल रहा, मनोविज्ञान में कोई झूठ नहीं होता है। वो एक ही नियम रखता है कि पृथ्वी के हर आदमी के लिए ईश्वर रूपी बाप ने हजारों करोड़ धन दौलत सुख सब दे के बेचा है। अगर तू दुखी होता है तो कोई राजा का बेटा जंगल में चले जाता है, वो भूल भटक के फंस जाता, किसी आदिवासी का बेटा मान लेता है खुद को। वैसे आप माने हुए हो, आप अपने बेटों को अपने धन का बराबर पांती करोगे क्या? करेंगे। या ठगोगे? बराबर पांती करेंगे। तो इस धरती में कितना सोना होगा? अनंत। कितना हीरा होगा? अनंत अनंत। कितना पन्ना हो? तो धरती में जितने लोग हैं उन सबको अपने बाप के हिसाब से उसमें हक है, ये ध्यान रख ले। बड़ा सिद्ध वचन गुरुदेव की। तू कहीं नौकरी करके 10-15 हजार कमाने पैदा हुआ व्यक्ति नहीं है। जोधपुर का राजा अगर अपना महल अपने बेटे का नाम लिख सकता है तो पृथ्वी में जन्मा हुआ हर व्यक्ति इस धरती में रहे हुए समस्त प्रकार के समृद्धि के स्वामी है। जय जय गुरुदेव। एक भी वस्तु में आपको कमी नहीं है, समझ रहे हो? सोच सुधारोगे तो ऐसे तीर्थों की जाओ चलाली बढ़ जाएगी। मंदिरों में भिखारियों की टोली जाती है, फिर वो टोली अलग अलग मंदिरों में रोज दिखती है, जैसे नाचनी वो रांड, जहां उसको जो जगह मिले वहां नाचने लगती है वो रांड। वैसे आप लोग जगह जगह हर मंदिर में जाते हो और उधर बोल के देख लेते हो कि अगर इधर बने तो ठीक, अगर उधर बने तो ठीक, अगर इधर बन जाए तो ठीक। जिधर भी आपका बनना है आपके सही मांग से ही वो बनना है, इनसे नहीं। ये तो देने ही बैठे हैं, आप क्या लोगे? जय जय गुरुदेव। ये तो देने के लिए ही बैठे हैं, आप आके यहाँ कैसे खड़ते हो? ये बात है, बहुत दुख है माँ, बहुत परेशानी है, बहुत संकट है, मिटा दे। ऐसे बोले वो ना मिटाने का काम करती है ना देने का काम करती है, उसका काम है ऊर्जा फेंकना। क्या फेंकना? ऊर्जा फेंकना। आप जो वस्तु मन में रखते हो उसकी ऊर्जा बढ़ जाता है इस ऊर्जा से। कैसे महाराज? दूध रखा है अपन ने, उसमें थोड़ा शक्कर और डाल दिया, अब दूध का पावर और टेस्ट से बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। बढ़ गया। तो आप जो भी मांगते हो वो दुख हो के सुख वो दूध समझ लो। ये उसमें शक्कर डाल देती है। क्या डाल देती है? शक्कर। यानी ऊर्जा डाल देती है। दुख मांगो, दुख की बात करो सामने, तो दुख की ऊर्जा और बढ़ती है। ये सब जगह होता है। इसीलिए कई लोग मुझे पूछते हैं कि 16 साल से पूजा करूं, आज तक मेरी पूजा सफल नहीं हुई, कब पूजा सफल होगी महाराज? मैं कि पूजा से नहीं, तेरे सोच के तरीके से तेरी पूजा सफल होगी, जब तक सफल नहीं होगा। जय जय गुरुदेव। तेरे तरीके में कई गड़बड़ है। तू लाख दिया जला ले, एक क्रिश्चियनों कई दीपक जलाते नहीं दिखते, उसमें भी अरबोपति करबोपति सब है। मुसलमान कोई दिया नहीं जलाता, पूजा नहीं करता, उसमें सब है। इस धरती में है, इस पूजा से हम दूसरे धर्म वालों से अनंत गुना आगे बढ़ सकते हैं। वही बात मैं कर रहा था कि हम मेलबोर्न सिटी गए बगैर मेलबोर्न के सुपरमार्केट का ध्यान कर सकते हैं क्या? नहीं। तो सिर्फ सनातन धर्म में ही ये मूर्तियों की पूजा है। क्यों है? सिर्फ भारत में 50 से ज्यादा हजारों करोड़ के धनवान नहीं है। तो जो 50 लोग ही 1000 करोड़ का जो सिचुएशन है, कितने लारी में आएगा, कितनी करेंसी होगी, कितना पैकिंग होगा, किस प्रकार का सेटिंग होगा, जो देखा होगा वही देखेगा। आपने कम से कम टीवी में, फेसबुक में, गूगल में अमिताभ बच्चन देख लिया होगा, कम से कम आपने आइसक्रीम
क्षत्रिया राय देख लिया होगा, नया सदन भी देख लिया होगा जो दिल्ली में खुला। कभी 50,000 करोड़ टीवी में बताया क्या कैसे होता है? नहीं बताया। लेकिन सनातन धर्म लक्ष्मी को बताता है कि तू 50,000 करोड़ नहीं देखा हो तो क्या, जब लक्ष्मी के सामने तू खड़ा होता है, अगणित धन की देवी है तो अगणित धन तेरे दिमाग में आता है, 50,000 करोड़ आ जाता है। मावती विश्व में एक ही देवी है जिसको बौद्ध धर्म के लोग मणिपद्मे के रूप में पूछते हैं, वो मणिपद्मे हूं। जैन पद्मावती के रूप में यही पद्मावती पूरे विश्व में दुर्गा सप्त सती में छठे अध्याय में नागादीश्वर विष्टराम भणिपनोत्तम सुरत नाबलिम बासवत देहलताम दिवाकर निवाम नेत्र त्रयोद्वासिताम तीन अंक वाली नागफणा वाली हाथ में फल धारण करने वाली पास अंकुश धारण करने वाली हर सनातनी इस पद्मावती की पूजा करके धन्य बनता है। देवी ने विभिन्न अवतार लिए, तारा त्वम सुगतागमे बौद्ध धर्म के लिए सिर्फ तारा के रूप में प्रकट हुई। भगवती गौरी थी शैवागमे, गौरी बनी सिर्फ शैव शिव को मानने वालों के लिए। वज्रा कौली के शासने वज्रा बनी कौल लोगों के लिए, लेकिन पद्मावती बनी समस्त ब्रह्मांड के सभी जाति धर्म के लिए। बाल भगवती पद्मावती मात की। इस देवी ने जब अनेक रूप लिया अलग अलग धर्मों के लिए, पद्मानना क्या क्या रूप लिया, अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूप, क्या क्या रूप, पद्मानना पद्मा विजया जिया जिता अपराजिता शिवा गौरी रंबा वैरोठ्या प्रज्ञप्ति भद्रकाली काली महाकाली शिवंकरी शंकरी पद्मनेत्रा हिमवतल्या लक्ष्मी दूती मती भुवनेश्वरी अंबिका अन्नपूर्णा श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी भगवती भवानी मातंगी राज मातंगी भैरवी त्रिनेत्री शक्ति हिंगुला हिंगोली वाग्वादिनी शारदा सरस्वती सत्यदेवी ज्वालामुखी बालापीठा साकंबरी शीतला तला भद्रा वज्रा कुष्मांडी चक्रधरा चामुंडी महामाया गायत्री विश्वविख्याता सुतदेवी जिनवाणी विद्या वर्धमानी नागकुमारी कात्यायनी कुंडलिनी मधुमती हिमकारी आई माई दुर्गा भोगी चानंदकरी वरदानंद लायिनी नित्या ब्रह्माणी बाहुबली सिंहमराले समारूढ़ा एकाक्षरी त्रयाक्षरी षडाक्षरी लाखों रूप लेके अलग अलग धर्म में पहुंची, लेकिन एक पद्मावती रूप बौद्ध धर्म भी माने, सिख धर्म भी माने, जैन धर्म भी माने और समस्त भारत का सनातन धर्म माने, ये एक रूप पद्मावती का रूप।